पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला के निर्देशन पर चल रहे अभियान में थाना मापुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लग गई है। शानदार एसओ मुकेश सोलंकी ने गाजियाबाद जनपद से चोरी हुई जेसीबी को बरामद करते हुए 3 सातेर चोरों को दबोच लिया है। आपको बताते चले, अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए बताया है कि अमापुर थानाध्यक्ष मुकेश सोलंकी मैं पुलिस टीम के चेकिंग अभियान चला रहे थे, जिसमें अनेक पाल विपिन निवासी कुचलपुर थाना अमापुर और राहुल निवासी कैथोला थाना सुनगोड़ी को दबोच लिया है। वही पूछताछ के दौरान सातेरों की निशानदेही पर चोरी की गई जेसीबी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। उनको इसमें थानाध्यक्ष मुकेश सोलंकी द्वारा उनकी टीम द्वारा एक जेसीबी बरामद की गई है। जब इनके चेकिंग के दौरान उनको पकड़ा गया, पूछताछ की गई, तो पता चला कि ये चोरी की जेसीबी है। उनके द्वारा इंदिरा नगर थाने से थाना जिला गाजियाबाद से चोरी की गई है। 1 तारीख उन्होंने चोरी की थी, इसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपये है। 3 आदमी गिरफ्तार हुए हैं इसमें, ये अनेकपाल विपिन राहुल और थाना इंदिरा नगर की सूचना इसमें दे दी गई है कि यहाँ पर इसकी बरामदगी का पंजीकृत किया गया है और इनको कार्रवाई की है। अपराध इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है। फिलहाल तो ये बता रहे हैं मेरी पहली ही चोरी है, तो ये वहाँ से काम करते थे, वहाँ से जिसमें चला के यहाँ ले गया है, यहीं चला रहे। वहीं उन्होंने बताया कि इनके गैंग के और सदस्यों की तलाश सरगर्मी से की जा रही है, बहुत जल्द उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। वहीं प्रेस वार्ता के बाद अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी ने पकड़े गए चोरों को जेल भेज दिया है। कासगंज से टाइम सिटी न्यूज के लिए रोहतास कुमार की रिपोर्ट।